कोई पता नहीं है कि आज रात को चांद रात हो जाए। मैंने अपने और अरीब के लिए कपड़े भी प्रिपेयर करके रख लिए हैं। अरीब की दूसरी सिस्टर, उनको ईद देने के लिए जाना है। चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक, चांद मुबारक। मेहंदी वाली फोन नहीं उठा रही, आप ही तो फिर हमारे साथ धोखा हो रहा है। ना मम्मा के हाथ पे ना अब्बू का कितना प्यारा नाम लिखा है। वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है जी ईद की तैयारियों के साथ साथ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आज रात को चांद रात हो जाए। मेरा अभी तक ईद का ड्रेस जो है वो 3 दिन का ड्रेस बनवाया था और मेरा अभी एक भी दिन का नहीं आया। एक दिन का ड्रेस, जो सेकंड डे का ड्रेस जो है वो अरीब साहब लेने के लिए गए हुए हैं, जो ईद का मेन ड्रेस आना है मेरा आज रात। वो कह रहे हैं 1 बजे तक आपको डिलीवर होगा। अगर चांद रात हो गई तो 1 बजे तक, अगर ना हुआ तो फिर कल इंशाल्लाह। अभी मुझे बेडशीट्स चेंज करनी है, कमरे में मेरे बहुत गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे सेट करनी है। बाहर की जो चीजें थी ये मैंने सारी चीजें सेट कर दी हुई है। बस मुझे यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करनी है। किचन भी मैंने अपना बिल्कुल फ्रेश फिट एंड फाइन कर लिया। एक कमरा जो मेरा इस वक्त मुंह को आ रहा है, ये मेरे पूरे कमरे में भाई फर्नीचर है, फर्नीचर ही फर्नीचर है। और ये सुबह सामान आया जिस वक्त मैं सो रही थी, ठीक है। और अरीब साहब ने ही जो है वो मैनेज किया किसी तरह यहाँ से कैसे सामान आया। अरीब से इकरा परेशानी हो, तेरे लिए व्लॉग बना लिया मैंने। मैंने यहाँ से जो है ना वो सारा सामान लोड करा दिया था, कमरे में रखवा दिया सारा सामान। आ जाए जी, अब अपने लिए प्यारी सी चकाचक सी बेडशीट निकालते हैं। ये मैंने जो है वो बेडशीट बिछा ली है, कमरा मेरा एकदम परफेक्ट हो चुका है, साइड टेबल सेट हो चुकी हैं। मैंने इफ्तारी वगैरह कर ली थी, अरीब साहब भी आ चुके हैं, मेरे कपड़े शपड़े ले आए हैं और मैंने अपने और अरीब के लिए कपड़े भी प्रिपेयर करके रख लिए हैं भाई, क्योंकि आज दूसरी बाजी जो है वो हमारी लाहौर आ चुकी है। उनको हम लोगों ने जो अरीब की दूसरी सिस्टर, उनको ईद देने के लिए जाना है, रेडी कर दिया है। निकले फिर हैं अभी, क्या तैयार नहीं होना, स्किन चमक रही है। ओए होए, अल्लाह, अरीब लोग कमेंट में इतना बोल रहे अरीब की क्या एक्टिंग स्किल थी। मैंने कहा अरीब की रियल में ना हालत हुई भी थी कि मेरा क्या बनेगा। इतना दर्द हो रहा था, जेन्युइन दर्द हो रहा था मेरे, वो मेरे से जेन्युइन हो रहा था कि इसने मेरे साथ क्या किया है। तो अभी क्या सीन, अभी निकले, अभी बस निकलते हैं। मैं बस तैयार हूं। आ गया, हाँ जी वो आ गया, वो आप पार्सल ले, लेकिन अभी मैंने ओपन नहीं किया, अभी मैं चेक कर रहा हूं। हाँ जी, सोई हुई थी। हाँ, ये इसका क्या करना है? अरे भी मैंने दिखाया लोगों को, दिखाया तो है, लेकिन इसका क्या करना है? अगर कल ईद हो गई, हाँ तो क्या करना है? तो आपने इसी कमरे में ईद मनानी है? कमरे में कोई अगर आता मेहमान वगैरह, ये कमरा बंद कर देना, बंद कर देना, लॉक कर दें। अगर टाइम है, देखें अगर आपके अंदर हिम्मत है, कैपेसिटी है, मैं तो मेहंदी लगा के काम करने से भी, अगर आज चांद रात हो जाती है, कल ईद होती है, नहीं ये बंद, ठीक है, ये कमरा बंद ही ठीक है। A few moments later. Finally, मैं हो चुकी हूँ तैयार भाई, हम लोगों ने भी निकलना है, वहाँ ईद देने के लिए जाना है, तो बस चलते हैं। तैयार हो गया, क्या हो गया यार? अरीब आपने मुझे डरा दिया, आप नहीं तैयार हुए यार? अभी चांद रात होगी, ये कंफर्म होगी यार, ना करो। आज चांद रात होगी, ये कंफर्म होगी, कल ईद है यार। चांद रात हमारे, चांद रात मुबारक यार। आई वांट कि आज ना होती चांद रात, बट आज चांद रात हो गई है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। बस अब मुझे जल्दी से आप फटाफट रेडी हो जाए, ताकि हम ईदी देखें, उसके बाद मेहंदियां लगवाने के लिए जाना है, बहुत काम है सर पे। अच्छा, कल मीठा भी बनाना है, चावल भी चाहिए। वैसे हमारे हलाल कमेटी वालों ने भी 8:30 बजे बताया है, कोई फौरन इफ्तारी के बाद, शुक्र है 12 बजे नहीं बताया, नहीं तो अभी थोड़ा सा मार्जिन है हमारे पास। एक लड़का तैयार होने में इतना टाइम लगाता है, अरीब आपको पता ना, आपकी पानी में गया छपक, एक लड़के ने चांद देखा छपक। ये हमारे जो है वो दूसरी बास्केट थी, ये उनकी बेटी के लिए लिया, ये उनके लिए ड्रेस लिया, बड़ी बाजी के लिए। दोनों का कलर मैंने सिमिलर ही लिया है, ताकि जो है वो मैचिंग कर सकें। तो हम लोग यहाँ से घर से निकलने लगे हैं, सीधा जाएंगे बड़ी बाजी की तरफ और जाके उनको ईद डिलीवर करेंगे। रास्ते में देखते हैं लाइटिंग शाइटिंग लगी हुई है, स्टॉल स्टॉल लगे हुए हैं, क्या रौनके हैं। ऐसा ही रश होना ना आज, रश होगा, अल्लाह करे रश काम मिले, बाकी खैर है। हाँ, एक तो यहाँ रश होगा, दूसरा मेहंदियों वाले पे, पार्लर्स के बाहर बहुत रश होगा। छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे नहीं होता, बड़ी ईद पे कसाईयों के बाहर रश होते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और इसी रास्ते के दौरान में बार बार जो है वो मेहंदी वाली अपनी, इतना फोन तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बज रहा, इतना इकरा का आज बज रहा है। हम लोग आ गए हैं अपनी बैंक की तरफ, यहाँ पे सारी ईदी वगैरह दे दी है। ये कौन आई हुई है और ये कौन आया हुआ है? इधर आओ, इधर आओ, मामू को आ दो, हमारे घर की
मेरी बेटी है, मेहंदी लगा ली है, मेहंदी तो दिखाओ। यहाँ वहाँ पे लड़ाई हो रही है, सारे खेल रहे हैं ताश वगैरह। ठीक है, सबको सबको कह दो हाय अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो हैं वो काके को काके की अम्मा के हैंडओवर करने के सारा टाइम आज चाची के पास आई है। ये कहीं जाके भी मेरे पास ही रहता है, ठीक है ना, ये आपका बच्चा नहीं, अब से मेरा बच्चा है, ठीक है। रो रहा था पहले ना, चाची के सामने आ गया। अच्छा चलो बाय बाय कर दो सबको, सबको बाय बाय कर दो। वो बाय बाय कर रहा है, अब वो निकल रहा है कि चाचा मेरा जा रहा है मुझे छोड़ के, तो मैं ऐसे कैसे। हमारा ये जो काका बिल्ला है ये हमारे साथ ही जा रहा है, ये बस कह रहा है कि मैंने चाचू के साथ जाना है, ठीक है मेरा मिट्टू। तो हम लोगों ने यहाँ से गाइस सीधा जाना है मेरी मामा की तरफ, वहाँ पे मैंने मेहंदी वाली बुलाई है, तो बस वहाँ पे हम लोग सब बहने मेहंदियाँ लगवाती हैं और जाके वहाँ की रौनक देखते हैं। रौनक अभी मुझे ऐसे रोड पे देखो। फाइनली बिल्ली को हैंडओवर करने का टाइम हुआ चाहता है। A few moments later. Finally, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मामा की तरफ और हमारे दूल्हे राजा भी पहुंच रहे हैं। आपका क्या प्लान है, जाना है फिर बॉयज नाइट? दोस्त वेट कर रहे हैं, आप जाओ मेहंदी शेंदी लगाओ, प्यारी प्यारी मेहंदी लगा के आना, ठीक है। प्यारी प्यारी आपका नाम लिखूंगी, ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है डन। ओके, पहली हमारी ईद होगी कल, तो एक बड़ी अच्छी सी शुरुआत करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जाओ ठीक है, एंजॉय करो सबके साथ, मैं सबको सलाम कहना, मैं वापसी भी आता हूँ, फिर सबको मिलता हूँ, ठीक है। चांद मुबारक, चांद मुबारक में उल्टा बोली जा रही है। चांद मुबारक मॉम, ये तो बड़ा, हम तो चांद निकलने से पहले चांद बना चुके हैं। क्यों, हमें पता था आज चांद आ तो नहीं है, हमें ऑलरेडी पता था चांद आ। कितनी प्यारी लग रही हो राबिया, मेरी भी फुल लुक दिखा दो गाइस। ये है आपकी की फुल लुक, हाँ ये आपकी। एक मिनट, ये मुझे पता आपने कहाँ से लिया कुर्ता, ये आपने मुझे पता है कहाँ से लिया? आज की चांद रात तुम लोगों ने पूरा दिन मेरे बगैर कैसे सफाइयां की है मुझे बताओ। सब कर लिया हमने, हाँ जी सारा मैंने किया। कहाँ है फातिमा, कहाँ है? और मैं कैसी लग रही हूँ आज, मैंने कहा अच्छी लग रही है, के पास सेम इस तरह का हुडी है। चलो गाइस मेहंदियों वाली आएंगी, फिर हम मेहंदियाँ लगवाते हैं। माय गॉड, मेरी बहन ने तो क्या थाल सजाए हुए हैं, हमने लाइट कलर पहने हैं, मेरे और हीरा के कलर देखो। किड सेक्शन से लिया है? क्या मतलब किड सेक्शन से लिया, ये तुम्हें किड्स वाले कपड़े लग रहे हैं राबिया, तुम खुद किड्स का ही लग रहा है, मेरा भी किड सेक्शन से है। या अल्लाह, मेरी बहन आज भी बड़ी होकर किड सेक्शन से कपड़े खरीदते और उसको लगता है कि मैं भी किड सेक्शन से कपड़े लेती हूं। चलें जी गाइस, मैंने आते साथ जो है ना वो अरीब साहब का नाम अपने हाथ पे भी खुद लिख दिया, जब तक हमारी मेहंदी वाली नहीं आती। मैंने फूल लगाए, तुम्हारी जिंदगी में अभी सिर्फ फूल ही है, बाहर है, एंजॉय कर लो। मेरी जिंदगी में एक अलग चांद और एक फूल और दिल और सब कुछ है, और ये कलर इस मेहंदी का बहुत रंग जैसा कलर। कहते हैं जिस हिसाब से हस्बैंड को प्यार होता है ना, उस हिसाब से रंग आता है। नहीं, सास उतना प्यार करती है, ये था डफर। तो मेरी तो अभी सास नहीं है ना, तो मुझे हस्बैंड की प्यार है। कितनी प्यारी लग रही है मामा, आपसे मैचिंग हो रही, बिल्कुल आप एकदम लालटन लग रही हैं, बिल्कुल पीला जोड़ा पहन के एकदम लालटन ही तो लग रही हैं। क्यूटी ब्यूटी फातिमा भी आ चुकी है, आई आई, ईद मुबारक, चांद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। चांद तो आज निकला है, लेकिन तुम्हारे किसको देख के हम चांद बोलते हैं फातिमा? मुझे देख के नहीं, किसको देख के? तुम्हारी ब्यूटीफुल रंगीन आंखों को देख के बोलते हैं हम। चांद मुबारक। पार्सल आया, एक मिनट मेरा आना था, एक मिनट रुको। मेरा जो है ना वो ईद के दूसरे दिन का जो ड्रेस है वो आ चुका है, लेकिन ईद के पहले दिन का पार्सल अभी आना है, और इतनी मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोगों ने काफी जो है वो हल्का फुल्का जो खाना पीना था वो खाना पीना खा लिया, लेकिन चीजियां हमारी एज यूजुअल वैसे ही पड़ी हुई है। अब जो है वो ड्रेस भी मैंने मम्मा को दिखा दिया, एक ड्रेस का मैं अपना वेट कर रही हूँ, और अपने अपने यार गाइस मेहंदियों के डिजाइन निकाल लो यार अपने अपने। अभी मेहंदी वाली को करती हूँ कॉल के किधर पहुंच गई, किधर है गई। एक अदद मेरी बहन निकली हुई है दोस्तों की तरफ जैनब, और एक अदद मेरी बहन जो हीरा है वो अभी हमें ज्वाइन जिसने किया था, लेकिन अभी वो गई है, उसने कोई कपड़े शपड़े उसके रह गए थे दर्जी से लेने वाले, तो वो लेने के लिए गई है। और एक अदद मेरी बहन यहाँ मसरूफ है, मेहंदियों के डिजाइन देख रही है, खप रही है कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है। मेहंदी वाली फोन नहीं उठा रही, आप ही तो फिर हमारे साथ धोखा हो रहा है। उसको कॉल्स कर रही हूं, कॉल ही नहीं उठा रही है। अब तो ये धोखा हो गया, अब आप ही को लगानी पड़ेगी। यार मैंने कितनी देर से बुकिंग कराई हुई थी, हुआ कुछ यूं है कि मेरे साथ हैंड हो गया चांद रात वाले दिन। मैंने कोई पिछले एक हफ्ते से बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन मेरे साथ हैंड हो गया। वो मेहंदी वाली कह रही है कि हम मैं आऊंगी तो मैं रात के 3 बजे तक आ सकती हूँ। भाई रात के 3 बजे अगर वो आएगी तो एक बहन को लगाएगी, दो बहन को लगाएगी, तीन बहन को लगाएगी, तो फिर छपक ईद तो गई ना, फिर तो ना उठा जाना ना कुछ, तो वो सारी चीजें रह जानी। तो सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ। यार सारी जिंदगी तुम लोगों को मेहंदी लगाती आई हूँ, आज का मौका मिला था मुझे शादी के बाद मेहंदी वाली से मेहंदी लगवाने का, लेकिन नहीं, आपको मैं लगा दूंगी, मुझे आप लगा। तुम्हारे वाली मेहंदी नहीं राबिया, मैंने मेरी शादी के बाद पहली वाली मेहंदी है, तो मैंने वो वाली नहीं लगानी गंदी। क्यों
मैं आपको अच्छी लगूंगी, मैं सीख गई हूँ अब, मुझे बहुत अच्छी आती है। चलो आओ तुम्हें तो लगा दूं मैं, आओ। चलें जी, हमारा पहला कस्टमर इस मेहंदी वाली का आ चुका है और वो पहला कस्टमर उसकी अपनी बहन है राबिया फैसल। आ जाओ जी तशरीफ लाओ, अपना डिजाइन लेकर आओ। पांच पांच मिनट में तुम्हें मैंने चुकता करना, जल्दी करो आ जाओ। लड़कियां ये गाते हुए अपने आप को तैयार होती हैं। सजना है मुझे सजना के आ, ठीक है रब। मम्मा फिर मेरा ही पार्सल आया यार, एक मिनट। कौन? पार्सल आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईद का जोड़ा आप लोगों ने लेट कर दिया, मेरा बड़े टाइम पे लेके आए हैं, सुबह ईद है, अगर आज ना चांद रात होती चलो फिर एक दिन और मिल जाता। थैंक यू सो मच, ये बस यहाँ रख दीजिएगा। ये भाई ने टाइम पर डिलीवरी कर दी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्ली भी ठीक है, बिल्ली आपके बहुत बड़े फैन है। चले थैंक यू सो मच मेरा टाइम पे सूट लाने के लिए, थैंक यू। ओह गॉड गाइस, फाइनली मेरा ईद का ड्रेस, क्योंकि मैं बहुत वो थी कि यार पता नहीं टाइम से रेडी होता है या नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी जो मेहंदी लगाने वाला प्रोसीजर है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि राबिया जो है वो मेरी पहली उम्मीदवार है, तो उसको मैं जाके फटाफट मेहंदी लगाती हूँ। पहले मैं अपना ड्रेस लेके जाती हूँ अंदर। ये लो जी, तो आप भी यहाँ से पार्सल लेकर आ रही है। ओ गाइस, मेरा इसका टूटा ड्रेस है तो हमारे घर में पार्सल का ढेर और उधर भी पार्सल का ढेर, तुम्हारा ये चंगा तरीका है? नहीं, पहले मेरी गिफ्ट तो पार्सल अपने घर नहीं, नहीं पहले मेरी गिफ्ट है। हाँ। अपने घर में भी पार्सल, हमारे घर में ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, जिसका दिल करेगा वहाँ पार्सल। मैं ऐसे कहती हूँ कि हमारे इस घर में भी पार्सल, हमारे उस घर में भी पार्सल, पार्सल ही पार्सल होंगे, क्योंकि मम्मा मेरा ड्रेस, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। छुरी दे मुझे राबिया, अपनी जुबान देना। हो फूफो की जुबान लो जाके। गाइस मैंने अपना सूट वूट देख के रख दिया है, थोड़ा इशू आ गया था, तो बस अब ये है कि इशू आपको बाद नहीं बताऊंगी, कल देखिएगा मैं क्या पहनती हूँ। फिलहाल तो हमारा टाइम होता है मेहंदी टाइम, और वो भी अपनी बहनों को लगाने का। चलें जी गाइस, राबिया ने मुझे ये डिजाइन दिखा दिया, अब इस डिजाइन को निभाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। क्या है अब राबिया को गाइस, आप एक्सपेक्टेशन देखो मेरी, ठीक है? और आप रियलिटी देखो, बटरफ्लाई वो लग ही नहीं रही है कहीं से भी। राबिया लग रही है, लेकिन वो गोल बटरफ्लाई लग रही है। राबिया मैं नीचे से सेट कर देती हूँ, नीचे से सिर्फ क्या, कहाँ से उसकी बेचारी की, देखो मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत बटरफ्लाई की ये चीज छोटी है, इसको इसकी ये चीज भी फिर थोड़ी बड़ी करो ना, ठीक है? आप सोच रहे हो कि मैं क्यों हंस रही हूँ। राबिया ने मुझे एक डिस्को डिजाइन दिया था, ठीक है गाइस, मैंने बटरफ्लाई ठीक बना दी, वो डिस्को इधर इधर भी ऐसा करो, यही बना दो। बचपन से लगा दी, जब मैं छोटी होती ना तब से। हाँ, मैं अपने मैं खुद छोटी होती अपने आप को खुद ही मेहंदी लगा दी थी गाइस, लेकिन जैसी लगती थी वैसी लगाती थी, कुछ सीखी सुनी। चलो ठीक है जी, अब इसके दूसरे हाथ की बारी, एक हाथ हो गया, अब बताओ रिव्यू दो मेरी मेहंदी के बारे में। अच्छा मजाक करनी चाहिए, ये बटरफ्लाई प्यारी लगाई है, बस वो एक उसने गलती कर दी थी, लेकिन प्यारी लगाई है। तो जी गाइस, इसकी मैं मेहंदी लगाते लगाते हीरा भी आ चुकी है, ले आई टेलर से, ले तुमने तो कहा था मेहंदी वाली आएंगी, तो आई तो ये मेहंदी वाली। यार उसने मेरे साथ भी प्रैंक हो गया बहुत बड़ा, मैं क्या करूं, मैं कहां से लगाऊं। एज रियल मेहंदी वाली यार हीरा, अगर वो नहीं आई है तो मतलब एक हाथ पे तूने पहले मेरे एक हाथ पे लगानी है, उसके बाद मैं तेरे लगानी है, तू मेरे एक हाथ पे लगाएगी, मैंने चारों साइडों पे लगानी है, ठीक है? अपनी आर्ट ना मेरे हाथ पे अप्लाई करना प्रॉपर। मेहंदी वाली की कॉल आई है, वो रास्ते में, और वो आ रही है मेरे लिए स्पेशली। चले जी गाइस, मेरी जो है ना वो मेहंदी वाली आ चुकी है, मेरा जूता। फातिमा, ए फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अब टाइम नहीं जाया करना, अब आके फटाफट बस मेहंदियाँ लगवाओ, चलो जिस जिससे लगवानी है, बल्कि सबसे पहले तो मैं खुद ही लगवाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली चले जी गाइस, फाइनली जो है वो मेरी मेहंदी लगने लगी है। ये डिजाइन मैंने चूज किया है लाइट सा, वेरी एलिगेंट सा। फाइनली मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लग चुकी है, ये देखें जी, एक मेरा ये हाथ है और दूसरे में ये है। मैंने बहुत नॉर्मल मेहंदी लगवाई है, ठीक है? ये मोहतरमा आ गई है नींद पूरी करके, आंखों में तुम्हारी नींद है, तुमने सुबह उठना है क्या? इतना देखो भाई गाइस, मैंने ना मम्मा के हाथ पे ना अब्बू का कितना प्यारा नाम लिखा है, ये देखो इतना खूबसूरत कली, लेकिन ना मैंने ना टीवी बना दिया, ये देखो वो तो साफ दिख रहा है। मम्मा का देखो कितना अच्छा लिखा है। मम्मा क्या हुआ है? दर्द हो रही है, देखो फूल गया। अल्लाह, ये देखिएगा एक दफा क्या हुआ है, मेहंदी एक्सपर्ट को बर्न हो गया यहाँ से तो। या अल्लाह, मम्मा की तीसरी बेटी आ गई है, मम्मा को कन्विंस कर। प्यारी लगाऊंगी, मुझे पता है तुम प्यारी लगाओगी, मम्मा लेके चली गई। हीरा नहीं, सारी इशू करती है, सिर्फ ये ग्रीन इशू नहीं करती है। चलो जी, अब बारी है हीरा की मेहंदी लगवाने की, और इसने जो है वो अपना ये डिजाइन दे दिया हुआ है सुकून शरीफ से। बहुत प्यारा लग रहा है ये डिजाइन, आपने बहुत प्यारा बनाया है, मेरे हाथ का कमाल है। यही सेम रिव्यू जरा मामा से ले लो।
मामा का तो गंदी टीन डब्बी बन गई थी, लेकिन रब तुम्हारी मेहंदी मैंने अच्छी लगाई और मेहंदी एक्सपर्ट ये मेहंदी लगाने वाली बोल रही है, मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। मेहंदी तो दिखा अपनी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। भाई ये फातिमा की मेहंदी देख ले। फातिमा आर यू अ ब्राइड? ये ब्राइड वाली मेहंदी क्या? हाँ? पागल हो, ब्राइड वाली है? नहीं। हाँ पिटाई करोगे ब्राइड वाली मेहंदी का तो तुम ये ब्राइड बनी हुई पूरी। देखो मैं ब्राइड हूँ तो क्या इसमें ब्राइड की इसमें क्या लिखा है? ब्राइड है, लहंगा बना हुआ है। ये देखो बी फॉर ब्राइड, बी प्लीज। चलें जी गाइस, अब जो है वो बस थोड़ी देर में अरीब साहब भी आते होंगे, हम उनका वेट करें क्योंकि अब से मुझे कॉल करी जा रहे करा कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ पे, और एक तो लड़कियाँ कितना टाइम लगाती हैं, तो मैंने कहा बस थोड़ी देर में बस मैं पहुँचने वाली हूँ, आप मतलब फ्री हो जाऊंगी तो फिर आप आ जाना क्योंकि हम सबकी मेहंदियाँ लग चुकी हैं। ये देख ले भाई, यहाँ नहीं मैंने भी लगाई क्योंकि यहाँ पे ना टाइम कम था, मैंने चारों हाथों में लगाई है। टाइम बहुत ज्यादा था इसे जान के लिए, झूठ बोल रही है। टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, टाइम कम था। टाइम बहुत ज्यादा था, नियत छोटी थी। नहीं नियत नहीं छोटी थी भाई, हमारी मेहंदी लग चुकी है, अरीब का नाम भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है, अब बस इसके छिलके छिलके निकाल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा। अब हम करेंगे थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा शोरगुल, तो लेट्स डू। बहुत मजा आ रहा है तुझे। एस्ट्रोलॉजी की तरफ से सबको चांद रात मुबारक। तुम एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं हो, इधर आके बैठो। चांद रात मुबारक, चलो जी। ये मानो मोहतर आ गई जिसके मुंह पे सिर्फ चंडे चुपेड़े चांद रात पे पड़ने वाली हैं, लेकिन कोई सॉरी नहीं है। तुम किस खुशी में? तुम्हें पता है कि तुम सारा दिन आज घर नहीं थी, घर में अपना शुगर लग रहा है, हर चीज में तुम्हारी दोस्तें आ जाती हैं। दोस्त बार बिजनेस कर रही थी, मेहंदी लगा रही थी सबको, और तुम पैसे इकट्ठे कर रही थी पीछे गले पे बैठी हुई थी। फिर सबको मेहंदी लगाई थी, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, वहाँ पे मेहंदी लगाने वाली इतने मोटे मोटे निप से लगाई, मुझे गुस्सा ज्यादा अच्छी नहीं। मैंने ये देखो अपनी दोस्त से लगाई है, मैंने दिखाओ। नाइस, ये देखो वाओ, हमारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। ये कौन सी किकली है? ये कौन सी किकली है? मैंने भी आना है, मैंने भी आना है। इसको कहते हैं गाइस डड्डू किकली। नहीं अगर मुझे गाना नहीं आता, गाना गाओगी? क्या गाओ? क्योंकि मेरा सर चकराने लग गया। ओह माय गॉड, किकली मतलब ब्लॉग। सर देखो ये प्यासी कवियां नाच गा के, प्यासी कवियां बनी हुई है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओफ। चलें जी गाइस, फाइनली मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं और हम जो लोग हैं, हाँ एक उबर वाला उन्हें डिलीवर करने आया चीज, हाँ? और उसका मुझे मैसेज आया है, By God swear I saw a pretty girl by first time in my life. You are so pretty. अंधा होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारियां हो गई हैं। लो सर तैयारियां, पहले तो मेरी मेहंदी देखो। माशाल्लाह प्यारी, एलिगेंट। ये क्या? इधर नहीं लगाई अरीब, टाइम कम था। ये देखें, ये प्यारी लग रही है, अच्छी लगी। इधर भी नहीं अरीब, टाइम कम है ना, मतलब मैंने कहा वो मेहंदी मैं पास पड़ी मैं खुद लगा लूंगी। 4 बजे आया हूँ, फिर भी टाइम कम था। एक मेहंदी वाली थी पहले, मैंने 2 लोगों को लगाई है, फिर वो एक मेहंदी सबको बारी 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 सबके 4-4 हाथ, क्या होता फिर। चले जी गाइस, मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ। ओके यार बहुत मजा आया। ओके हीरा, मिलती जाओ यार। अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ से हो गए हैं फ्री। मम्मा के हाथ पे टीवी देख, अरे आपने मम्मा की मेहंदी देखी है यार? दिखाई नहीं। ये देखे एक मेहंदी, ये राबिया ने लगाई है, ये मेहंदी वाली ने लगाई और इकरा कवल ने गंद मारा, बस पापा का नाम सही। प्यारी लगी हुई है, मुझे भूल गई अरे मेहंदी लगाना, जाना शुरू हो गई है। हाय बहुत लेट हो गए, सॉरी। ईद नमाज पढ़ के सोएंगे, ठीक है? अब ईद नमाज पढ़ के सोना जाना, सुबह तैयारी करना ताकि लाइट शाइट में शूट वूट। हाँ जी सोना जरूरी है। चले ओके गाइस, बाय बाय। चले जी गाइस, अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। A few moments later. चले जी गाइस, हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। नींद से दो लोग की बुरी हालत हो रही है, लेकिन क्या करें,
ईद ऐसी ही होती है। सो गाइस हम लोग आ चुके थे घर और अब जो है वो रेस्ट करने का टाइम हुआ चाहता है क्योंकि सुबह ईद है और बस तैयारियां शैयारियां करनी है, थकावट बहुत ज्यादा हो गई है, अभी रेस्ट का टाइम है, ब्लॉग को एंड करने का टाइम है, लेकिन आप लोगों के लिए ईदी जो है वो आ सकती है ईद वाले दिन ही। सो स्टे कनेक्टेड विद सिस्ट्रोलॉजी मतलब ब्लॉग की फॉर्म में, तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, सब्सक्राइब्ड रहना है, कमेंट शॉमेंट लाइक चाइक सब कुछ ना, इस वीडियो को भी आप लोगों ने आखिर तक देखना है। चलिए अभी मुझे दीजिए इजाजत, सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक भाई, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।